देखो, देश में लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं, इस बारे में जो निर्णय है वो देश के प्रधानमंत्री ले सकते हैं। लेकिन जैसे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक साथ बिठाकर उनसे विचार विनिमय किया है, उनके बाद अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एक लॉकडाउन की ज़रूरत है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि देश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन की ज़रूरत है, तो प्रधानमंत्री अपने मन की बात देश को बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव की पूरा उनका जो शेड्यूल है वो पूरा होने के बाद इस बारे में केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टीका और सभी राज्यों को जितनी भी टीके चाहिए उनकी सप्लाई होनी चाहिए। जैसे कल राजू शेट्टी जी ने कहा है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है, वहाँ से पूरे देश को और विश्व को आप टीके भेजते हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता यहाँ मर रही है, हमारे सामने वो टीका बनता है। तो जैसे राजू शेट्टी जी ने कहा है कि हम एक भी जो ट्रक है, कंटेनर है, वो बाहर जाने नहीं देंगे। अगर लोगों की भावना बढ़ गई तो मुझे लगता है लोग पूरे रास्ते बंद कर देंगे। सर, कल जिस तरह मीटिंग हुआ था उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने लॉकडाउन का विरोध किया था, वहीं दूसरी तरफ प्रकाश जावड़ेकर भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो वैक्सीन है उसकी कमी नहीं की जा रही है। देखो, प्रकाश जावड़ेकर जी दिल्ली में बैठकर जो हमें नाना अमृत दे रहे हैं ज्ञान, इसकी ज़रूरत महाराष्ट्र को नहीं है। आप आइए महाराष्ट्र में, आप मुंबई में बैठे या पुणे में बैठे और यहाँ की हालत देखिए। आपका रिश्ता भी महाराष्ट्र से है। देवेंद्र जी ने विरोध किया होगा लॉकडाउन को, ये उनकी पार्टी की राज्य की भूमिका है, देश की भूमिका अलग हो सकती है मोदी साहब से। जब मोदी लॉकडाउन यहाँ पूरे देश में अगर जारी करेंगे तो देवेंद्र जी की भूमिका क्या होगी, आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र छोड़कर पूरे देश में लॉकडाउन करो। देखो, इस प्रकार से राजनीति करना ऐसे विषय में संकट के घड़ी में किसी को भी शोभा नहीं देता, ना हमको ना अपोजिशन को। बहुत ही सीधे रास्ते से चलकर एक मार्ग निकालना होगा और लोगों की जान बचानी होगी।